कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के बाबा खाकी मोहल्ले में केबल ऑपरेटर की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई है। इस घटना के वक्त ऑपरेटर नील कमल शर्मा उर्फ गुड्डू की पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। पत्नी को सूचना देकर घर बुलाया गया। परिजन गंभीर रूप से घायल नील कमल को पास ही स्थित अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। किसी अन्य की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। CCTV में 6 लड़के भागते हुए देखे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी है कि नीलकमल शर्मा को गोली कैसे लगी। घटना के बारे में क्षेत्रीय नागरिक ने यह जानकारी दी। मृतक का नाम नील कमल शर्मा उर्फ गुड्डू के नाम से था मृतक, और मेरे पास सूचना आई थी, खबर आई थी कि इसको ले जा रहे थे हॉस्पिटल में, तो मेरे पे खबर आई तो मैंने पुलिस को फ़ोन करा कि ये ऐसे ऐसे घटना हो गई है, गोली लगने से एक युवक के घायल हो गया, तो ये वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल, पता चला ये वहाँ पे जाने से मृत घोषित कर दिया, घर पे वापस ले आए थे। उधर SP City पीयूष सिंह ने FirstBite.TV से यह कहा। थाना दिल्ली गेट अंतर्गत बाबा खाकी मोहल्ले का एक प्रकरण है। यहाँ के निवासी श्री नीलकमल शर्मा जी का गनशॉट का केस हुआ है। उनके सिर पे गोली लगी हुई है। परिवार वाले पहले उनको अस्पताल में ले गए थे, जहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस को उनको सूचना दी गई है। स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही थाना दिल्ली गेट पुलिस द्वारा की जा रही है। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नज़र। आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।